दोस्तों नमस्कार, डीएलएस न्यूज के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी सुबह सुबह एक बड़ी और अच्छी गुड न्यूज निकल कर आ रही है उन सभी लोगों के लिए जो शादीशुदा है, यानी कि पति पत्नियों में पत्नी के लिए भारत सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से हस्बैंड एंड वाइफ की लाइफ में वाइफ के लिए एक नई स्कीम और नई प्लानिंग निकल कर आ रही है, जिसके तहत आपको एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, 23 जून 2018 सैटरडे का लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है कि अपनी पत्नी को भरवाएं ये फॉर्म, मोदी सरकार देगी सैलरी। तो क्या कुछ आखिर ये नई स्कीम और नई प्लानिंग, मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। दोस्तों अगर आप भी वाकई में इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसे देखने के बाद आप जिंदगी भर याद रखोगे, क्योंकि आपकी पत्नी को हर महीने जिंदगी भर मोदी सरकार की तरफ से तनख्वाह के रूप में पैसे दिए जाएंगे, जिनका सीधा फायदा आपको अपने घर परिवार में मिलेगा। तो चलिए जानते हैं फटाफट से कि क्या कुछ लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रहा है नई स्कीम के तहत मोदी सरकार के अंदर। इससे पहले दोस्तों, अगर आप टीएलएस न्यूज पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आपको वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन, फटाफट से उस पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लेना। पास में मिलेगा एक छोटा सा नैना घंटी का आइकन, उसे जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। और हाँ दोस्तों, आप जी सकते हैं डीएलएस न्यूज की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि साल में सबसे कम दिन किस महीने में होते हैं। जो लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे वो रन एमएल सेलेक्ट किए जाएंगे डीएलएस न्यूज की तरफ से कमेंट बॉक्स में से। और आप जी सकते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टूल, गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। दोस्तों बात करें इस स्कीम और अपडेट की, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आपकी वाइफ को एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा उनको हर माह पेंशन भी मिलेगी, या पेंशन उनको पूरी लाइफ तक मिलती रहेगी। आपकी वाइफ नौकरी कर रही है या नहीं कर रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनके लिए एक रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। इसके अलावा आप यह भी तय कर सकते हैं कि उनको हर माह कितना अमाउंट मिलेगा। इसके जरिए आप अपनी वाइफ को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ला सकते हैं और आपकी वाइफ पैसों के लिए किसी पर निर्भर भी नहीं रहेगी। खुलवाएं एनपीएस अकाउंट। जी हां दोस्तों, आप इस एनपीएस को देख करके वीडियो को बंद मत कर देना गलती से भी, क्योंकि एनपीएस अकाउंट के अंदर नई स्कीम लॉन्च हुई है, जिसके तहत आपको नई प्लानिंग के अंदर नया फंड सभी पत्नियों के लिए मिल रहा है। तो यहां पर आप अपनी वाइफ का न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस अकाउंट में आप अपनी वाइफ के इनकम के अनुसार हर माह पैसा जमा कर सकते हैं। 60 वर्ष की उम्र में एनपीएस अकाउंट मैच्योर हो जाता है और मैच्योरिटी के ऊपर आपकी वाइफ को एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा भी उसके बाद हर माह पेंशन मिलती रहेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे दोस्तों, यहाँ आप देख लीजिए कि मान लीजिए रीमा की उम्र 30 साल है और वे अपने एनपीएस अकाउंट में हर महीने 5000 रुपए का निवेश करती है। जरूरी नहीं दोस्तों 5000 करें, आप 2000-1500 रुपए का निवेश भी कर सकते हैं। और इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि बैंक ब्याज से बहुत ज्यादा ब्याज का रिटर्न यहाँ पे आपको मिलता है। इसके अलावा मैच्योरिटी के ऊपर आपको अपना पूरा पैसा वापस मिल जाता है और लाइफ टाइम आपको पेंशन के रूप में पैसे मिलते रहते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि हर महीने 5000 रुपए का, माना कि रीमा निवेश करती है तो उनको निवेश पर सालाना 10% रिटर्न मिलता है। तो 60 साल की उम्र में उनके अकाउंट में कुल 1,14,00,000 रुपए जमा होंगे और उनको इनमें से 45,00,000 रुपए हैंड टू हैंड मिल जाएंगे और बाकी आपको हर महीने तनख्वाह के रूप में 20,000-25,000-40,000 जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग मिलते रहेंगे। किस तरह से आप इस एनपीएस अकाउंट का फॉर्म भर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी है भारत सरकार का NSDL.com, यहाँ से ये लिंक दी हुई है, यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक में सीधे जाएं और बैंक कर्मचारी से बोले कि आपको एनपीएस अकाउंट से जुड़ना है, तो आपके बैंक अकाउंट से उस एनपीएस अकाउंट को कनेक्ट कर देंगे और आपको सिंपली एक फॉर्म भर के वहाँ पे जमा कराना है और आप इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। अगर आप भी इस संबंध में आपके मन में कोई प्रश्न या सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए और डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चंस का जवाब देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।